नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद उपाध्याय अपने वर्तिका वाला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबके बीच में पुनः उपस्थित हूं। अपने पैतृक गांव बीरपुर में गंगा जी में जो नहर है, सिंचाई का मुख्य संसाधन नहर होता है, और उसी संसाधन को मैं यहां आप लोगों के बीच में सामने दिखा रहा हूँ। सामने कैनाल है और कैनाल से पानी दो पंप के माध्यम से होते हुए ऊपर जाता है और ऊपर जा करके एक जगह होकर के फिर नहर में जाके मिलता है। किस प्रकार से इसका शेड्यूल है, कैसे नहर चलती है, नहर के ऑपरेटर महोदय मेरे साथ मौजूद हैं, आपको बताएंगे। क्या नाम है भैया आपका? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र कुमार जी, नहर के आप कर्मचारी हैं ना? नहर कैसे चलता है, जिस इसका कोई शेड्यूल है, सुबह शाम कब चलाया जाता है? सुबह चलती है, सुबह से शाम तक जैसा सीजन होता है, रातों दिन भी चलती है। अच्छा अच्छा, क्या स्थिति है, जैसे नहर चलता है तो इसका एक एरिया होगा कि 10 किलोमीटर पानी जाएगा, 20 किलोमीटर जाएगा, तो उसको टेल बोलते हैं ना, टेल तक। तो क्या इसका पानी टेल तक पहुंच जाता है? जा रहा है ना। नहर की साफ सफाई की स्थिति अभी आज की? नई सफाई उफाई है, सफाई है ना। तो सुन रहे हैं किस प्रकार से बता रहे हैं भाई साहब नरेंद्र जी की नहर की सफाई भी हो रही है और पानी टेल तक पहुँच रहा है। आप लोगों की शिफ्टिंग भी है ड्यूटी की कोई? नहीं, शिफ्टिंग नहीं है, 24 आवर्स की ड्यूटी। आप प्राइवेट कर्मचारी सब लोग मिलजुल के अपना? अच्छा, प्राइवेट कर्मचारी हैं, नहर भी प्राइवेट कर्मचारी रख रहा है तो? हाँ, अब कर्मचारी सरकारी नहीं तो ऐसी काम चल रहा है। अच्छा, तो सैलरी क्या होगी आपकी लगभग? सैलरी 4-6 हज़ार में हम ऐसे मैंने केवल पारितोषिक मिलता है। पारितोषिक मिलता है, रह करके केवल काम कर लो, किसी प्रकार से गुजारा हो जाए, गुजारा हो रहा है, इसी प्रकार की स्थिति है। मैंने इसका हमको लग रहा है संविधा भी नहीं, ऐसे ही चल रहा है। तो इस प्रकार की स्थिति है, ये देख रहे हैं। नरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद थे और नरेंद्र जी बता रहे हैं कि ये लोग बेचारे, हम कह दें कि हिंदुस्तान की एक मूल अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए खेती काफ़ी कारगर होता है और खेती के अहम अंग सिंचाई जो मूल रूप से, अगर सिंचाई का संसाधन नहीं रहेगा तो खेती होगा नहीं। तो उस व्यवस्था को संचालित करने के लिए नहर की व्यवस्था संचालित, बेचारे अपने पेट पालने में भी इनको हमको लग रहा है कठिनाई होगी। 4-6 हज़ार में कुछ आज के समय में होने वाला नहीं है। ऐसे में सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए, ऐसे कर्मचारियों को हमको लग रहा है कि परमानेंट कर देने में ही भलाई है, जो प्रतिदिन 24 घंटे की ड्यूटी दे करके नहर चलाते हैं। तो आप सभी मित्रों से मेरा आग्रह है कि यदि इस वीडियो को देखेंगे तो देख करके शेयर करें, ताकि यह बात मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे और इस बात को जानें, कर्मचारियों के दर्द को समझें और अपना स्नेह बनाए रखें, ताकि फिर मैं आगे किसी और इसी प्रकार की स्थिति के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।